तो हेलो 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 दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग और वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। और आज की जो वीडियो होने वाली है उसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में ही बता दिया था। और आज की वीडियो अब बिना देरी किए शुरू करते हैं। आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है जैसा कि मैंने कहा था, और ये स्पेशल इसलिए होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में होने वाला है Q&A। हाँ, यानी आज की वीडियो जो है उसमें हमसे पूछे जाएंगे कुछ सवाल और उन सवालों का मुझे जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में बोला था कमेंट्स में अपने अपने मन के जितने भी सवाल होंगे वो डाल देना, और आपने डाल दिया था। तो आज मैं उन्हीं सवालों का जवाब देने तो भाई चलो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। How many champions do you have? तो भाई मैं बता दूँ, वैसे तो मेरे पास रहने चाहिए थे 150-200 से ऊपर, बट वो हैकर जब से घुस गया मेरे अकाउंट में तब से भाई मेरे अकाउंट की बैंड बजी पड़ी है। तो फिर फिलहाल तो सिर्फ 104 ही रहेंगे, बट शायद अगर आगे मेरे चैम्पियंस और बढ़ जाते हैं तो ठीक है। Same question. Bro, can you do acting of your sister when she talks with her friends on call? वैसे तो मैं रहता नहीं हूँ, वो जब भी बात करती है क्योंकि वो मुझे भगा देती है सीरियसली, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इरीटेट करता हूँ जब वो अपने फ्रेंड से बात करती है। मैं बहुत ज़्यादा इरीटेट करता हूँ और बीच में बहुत ज़्यादा आवाज़ें करता हूँ और बहुत चिल्लाता हूँ मैं, ताकि वो परेशान होकर खुद ही बात ना करे। तो फिर मैंने तो देखा नहीं है आज तक उसको, मीन्स वो कैसे स्टाइल में बात करती है। आपके लिए अगला सवाल, व्हाट इज योर एज, यानी आपकी एज क्या है? से भाई हूँ तो मैं आराम से 100-200 साल का, लेकिन यू नो आजकल मैं बता देता हूँ 13-14 साल। व्हाट डू यू थिंक अबाउट पबजी बैन? भाई वैसे जितने भी गेमिंग लवर्स और पबजी लवर्स थे उनके साथ मैं भी ऑफेंड हो गया था पबजी बैन के लिए, लेकिन आखिरकार हुआ तो अपने देश के लिए ही है, तो मैं इसमें कुछ कमेंट्स नहीं करूँगा। भाई तूने कितनी बार मार खाया है टीचर से 5th standard में? तो भाई वैसे ये सवाल जो है ये पूछा है मेरे खुद के स्कूल फ्रेंड ने, तो मैंने ज़्यादा मार नहीं खाया था भाई, मतलब मैंने खाया नहीं था क्योंकि मैं तभी बहुत अच्छा बच्चा था सेकेंडरी में आने से पहले, तो मैंने ज़्यादा नहीं खाया था। हाँ डांट खा लेता थोड़ा बहुत कभी कभी, बट मैंने मार तो खाया ही नहीं था। अगला सवाल, डू यू प्ले इन लैपटॉप और फोन, एंड व्हिच कंपनीज डिवाइस वुड यू प्रेफर? तो भाई वैसे मैं लैपटॉप में भी खेल लेता हूँ, फ़ोन में भी खेल लेता हूँ कभी कभी, कि मेरे आधे गेम लैपटॉप में है फ़ोन में है। और रही बात कंपनी की, तो फिर सबको ही पता है बेस्ट गेमिंग कंपनी जो बेस्ट डिवाइसेस देते हैं गेमिंग के लिए वो है Asus ROG। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन यू प्ले मोबाइल गेम्स? वैसे तो मैं मोबाइल गेम्स जब भी मेरे को टाइम मिल जाए, मैं अपने सब काम से फ्री हो जाता हूँ तभी खेलता हूँ। लेकिन मेरे पास एक टिप है, जो लोग मोबाइल गेम्स नहीं खेल पाते हैं उनके पेरेंट्स मना करते हैं, तो फिर सबसे सिंपल सा ट्रिक बताओ क्या है, आप लोग है ना भाई सब काम वाम पढ़ाई वढ़ाई सब करके बैठ जाओ और बता दो उनके सामने भी ज़रा काम करो, तो फिर कैसा वो देख लेते हैं कि हाँ भाई बच्चे ने काम किया है, चलो इतना टाइम दे सकते हैं। तो बहुत दे दिया टिप, ये मेरी सीक्रेट टिप थी। अगला सवाल, जब तेरा बेस्ट फ्रेंड को मार पड़ती है तो तुझे कैसा लगता है? तो फर्स्टली भाई ये तो यक्ष ने लिखा है और वो लिखने में इतनी टाइपिंग मिस्टेक करता है कि मैं खुद ही अपना क्वेश्चन नहीं समझ पाया था। तो रही बात कि मेरे फ्रेंड को अगर मार पड़ती है तो कैसा लगता है, तो वो मतलब दो ही चीज़ मुझे दुनिया में अच्छी लगती है, एक कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल गेम, और दूसरा जब मेरा फ्रेंड मार पड़ती है ना, जब उसको टीचर से डांट पड़ती है, इतना मज़ा आता है, वो सबसे हैप्पी टाइम रहता है, क्योंकि फ्रेंड को अपने आँखों के सामने डांट खाते हुए देखना बहुत ही ज़्यादा मतलब एक्साइटिंग सा होता है, मज़ा आता है। आप लोग को भी मज़ा आता होगा, जिन जिनको मज़ा आता है ना भाई कमेंट में लिखो ज़रा। तो इसी के साथ ख़त्म होता है हमारा आज का वीडियो और हमारा पहला, हमारे चैनल पे पहला
Q&A वीडियो ख़त्म होता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग लगा होगा, तो इसे थम्स अप मतलब इसको लाइक करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।